सर्जरी होने वाले मरीज की नर्सों द्वारा देखभाल, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के पश्चात मरीज की देखभाल करने वाली नर्सों को पेरीऑपरेटिव नर्स कहा जाता है। पेरीऑपरेटिव देखरेख को तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है ऑपरेशन के पहले, दूसरा हिस्सा है ऑपरेशन के दौरान और तीसरा हिस्सा है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन का निर्णय लेने के बाद से ऑपरेशन थिएटर पहुंचने तक की देखरेख प्री ऑपरेटिव केयर कहलाती है। ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन थिएटर से लेकर रिकवरी रूम तक जाने की देखरेख इंट्रा ऑपरेटिव केयर कहलाती है। ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम से वहां से डिस्चार्ज होने के बाद फॉलो अप तक की देखरेख पोस्ट ऑप केयर कहलाती है। ऑपरेशन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं, डर और तनाव होती हैं, जिसमें बेहोशी, दर्द, मौत या विकलांग होने का डर, नौकरी, व्यापार एवं परिवार के बारे में चिंताएं होती हैं। इसलिए नर्सों को मरीज की मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याओं पर ध्यान देते हुए समाधान निकालना चाहिए। अब हम पेरीऑपरेटिव फेज के बारे में देखते हैं। मरीज का इतिहास जानना जरूरी है। यदि मरीज ने पहले कभी ऑपरेशन कराया था, उसका क्या परिणाम निकला, क्या अनुभव था, बेहोश किस तरीके से किया गया था, मरीज को कुछ खाने पीने से, दवाओं से या ऑपरेशन में उपयोग होने वाली पदार्थ जैसे टेप, आयोडीन, लेटेक्स इत्यादि से एलर्जी तो नहीं, इस बात को फाइल के आगे वाले पन्ने पे ध्यान से नोट कर लीजिए। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि मरीज कौन सी दवा ले रहा है, क्या ये डॉक्टर द्वारा लिखी गई है या मरीज ने खुद अपने आप शुरू की है, कहीं किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है, मरीज को पहले से कोई जटिल बीमारी तो नहीं है जैसे दमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी इत्यादि। धूम्रपान, शराब, नशीले पदार्थ सेवन के बारे में भी पूछें। शारीरिक जांच में नर्स को वाइटल साइंस चेक करने चाहिए। मरीज का पोषण स्तर या पोषण स्थिति कैसी है, जैसे मरीज का वजन। सामान्य खून जांच भी की जाती हैं, जैसे कि CBC, UNE, PT, PTT इत्यादि। ECG और एक्सरे भी किए जाते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक होना चाहिए। ऑपरेशन के बारे में सारी सूचनाएं देकर सहमति पत्र पर मरीज के हस्ताक्षर कराने चाहिए। ऑपरेशन के एक दिन पहले मरीज के साथ बैठकर ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में मरीज और उसके परिवार को बताएंगे। मरीज को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि ऑपरेशन के बाद उसके शरीर से सर्जरी से संबंधित नलियां या उपकरण लग सकते हैं। मरीज को बताया जाता है कि यदि उसको दर्द का अनुभव होने पर दवाई मांग सकता है। मरीज को खांसी और गहरी सांस लेने और पैरों का व्यायाम कराया जाएगा। डॉक्टर के आदेश अनुसार नर्स के द्वारा मरीज को हल्का या रसदार भोजन या 12 बजे रात के बाद सर्जरी के दिन सुबह तक कुछ नहीं देना। त्वचा की देखरेख और तैयारी करना, शरीर के खास एरिया की शेविंग करना, शरीर को अच्छी तरह नहला धुला कर साफ और स्वच्छ रखना और कीटाणु मुक्त रखना, आंतों को साफ रखना। एनिमा और कब्ज की दवाई दे सकते हैं यदि आंतों की सर्जरी होनी है। मरीज को जीवन शैली में आने वाले बदलाव और घर जाने के लिए तैयार किया जाएगा। ऑपरेशन के दिन की शारीरिक तैयारी, सारे आदेशों का पालन करना और अंतिम समय तक की तैयारी रखना, मरीज की पूरी फाइल तैयार रखना, ID बैंड लगाना और मरीज के साथ ऑपरेशन थिएटर तक जाना। बेहोश करने से पहले कई इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, जैसे कि नींद का इंजेक्शन, बेचैनी कम करने का इंजेक्शन, दर्द कम करने का इंजेक्शन, बलगम कम करने का इंजेक्शन, उल्टी ना आने का इंजेक्शन और एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो कि चीरे के एक घंटे पहले लगा सकते हैं। नकली दांत, चश्मा, सुनने की मशीन, कॉन्टैक्ट लेंस, अंगूठियां, गहने इत्यादि उतार देने चाहिए। मरीज के परिवार को सर्जरी संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। इंट्रा ऑपरेटिव फेज के दौरान मरीज और उसकी फाइल इंट्रा ऑपरेटिव नर्स के हवाले की जाती है। इंट्रा ऑपरेटिव नर्स उसको चेक करती है कि सही मरीज आया कि नहीं, सारी दवाई का रिकॉर्ड अप टू डेट है या नहीं, सारी तैयारियां की गई हैं और मरीज ऑपरेशन के लिए तैयार है।
मरीज को ऑपरेशन के दौरान विभिन्न शारीरिक स्थितियों में रखा जाता है। इंट्रा ऑपरेटिव नर्स दो तरह की होती हैं। एक होती है सर्कुलेटरी नर्स जो अस्थिर रहती है और सर्जन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और सप्लाईज वालों की जरूरत पूरा करती है। दूसरी नर्स स्क्रब नर्स होती है जो कि कीटाणु मुक्त सर्जिकल ट्रे तैयार करती है। सारे उपकरण कीटाणु मुक्त रखेगी, सर्जन से कीटाणु मुक्त उपकरण आदान प्रदान करेगी। पोस्ट ऑपरेटिव फेज, ऑपरेशन के बाद सर्कुलेटिंग नर्स मरीज को रिकवरी रूम में ले जाएगी। एक नर्स एक या दो मरीज के ऊपर कड़ी निगरानी रखेगी। रिकवरी रूम में आपातकालीन और सामान्य उपकरण होने चाहिए, आईसीयू में जैसे होते हैं। लगभग सभी मरीज को ऑक्सीजन दिया जाता है। ईसीजी, बीपी और पल्स ऑक्सीमेट्री मशीन के द्वारा लगातार नजर में रखी जाती है। फ्लूइड इनटेक आउटपुट पे नजर रखी जाती है एवं उसका चार्ट बनाया जाता है। ऑपरेशन के बाद नर्सों को नए आदेश दिए जाते हैं, जैसे कि समय अनुसार वाइटल साइंस चेक करना, मरीज की शारीरिक स्थिति देखना, दवाइयां देना, ड्रिप चढ़ाना, खाना देने का नियम पालन, मरीज को शारीरिक क्रियाकलाप कराना, जांच कराना, पट्टी बदलना इत्यादि। ऑपरेशन के तुरंत बाद की कठिनाइयां ABC, सांस मार्ग में बाधा या सांस लेने में कठिनाई, ऐसी स्थिति में थोड़ी ऊपर करना, जबड़ा आगे की ओर करना, मुंह या नाक में वायु मार्ग बनाना या वेंटिलेटर पर डालने की आवश्यकता हो सकती है। खून का बहाव, इसके लिए मरीज को सीधा सुलाया जाता है। रक्तचाप सामान्य रखना, ड्रिप या रक्त देना पड़ सकता है। शॉक, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे स्थिति बदलना, पैर ऊपर करना लेकिन सिर को ऊपर ना करें। दर्द, मरीज को दर्द हो सकता है, उसके भावना को समझते हुए उसे दवाई देना चाहिए। सर्जरी के बाद मरीज को उबकाइयां या उल्टियां आ सकती हैं, जिसके लिए दवाई देनी चाहिए। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथर्मिया, शारीरिक तापमान कम हो जाना। मरीज को रिकवरी रूम से डिस्चार्ज किया जाता है जब वायु मार्ग खुला है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, वाइटल साइंस स्थिर है, शारीरिक गतिविधि सामान्य है, बेहोशी कम होती जाती है और हमारे सवालों का जवाब मरीज दे पा रहा है। जनरल पोस्ट ऑपरेटिव केयर, नर्सों का लक्ष्य है कि कोई जटिलता ना हो और वो तभी संभव है जब वो चौकस रहे और अच्छी देखरेख करें। वाइटल साइन देखना शुरू में हर 15 मिनट, जिसे बाद में हर 4 घंटे तक बढ़ा लेना। संक्रमण का बचाव करने के लिए पहली पट्टी खुद ना बदलें, उसे सर्जन को बदलने दें। फ्लूइड इनटेक आउटपुट को तब तक ध्यान में रखें जब तक मरीज खुद पानी पीना शुरू ना कर दे। सुरक्षा ट्रे तैयार होनी चाहिए, मरीज के पास घंटी का बटन होना चाहिए नर्सों को बुलाने के लिए। नर्स को मरीज को बिस्तर से उठने, चढ़ने उतरने में मदद करनी चाहिए। साइड रेल को उठा के रखना चाहिए। आराम और विश्राम का ध्यान रखना चाहिए। श्वास को सामान्य रखने के लिए खांसी और गहरी सांसों का व्यायाम करवाना चाहिए। DVT से बचाव के लिए पैरों का व्यायाम करवाएं। चलने में सहायता दें और खुद मरीज को प्रेरित करें चलने के लिए। विभिन्न नलियों की देखभाल होती रहनी चाहिए। डिस्चार्ज ट्रेनिंग, डिस्चार्ज के पहले मरीज के मुताबिक उसको बताएं क्या आहार लेना चाहिए, कैसा क्रियाकलाप करना है, क्या दवाइयां लेनी है, मल मूत्र संबंधित जानकारी दें, जटिलताओं के बारे में बताएं, यौन संबंधित गतिविधि, विशेष व्यायाम, सर्जन का अगला अपॉइंटमेंट के बारे में बताएं, टांके कब और कहां निकालने हैं, चीरे के बारे में बताया जाता है।